आखिर सवाल, बिग बॉस में मोनालिसा ने बहुत अच्छी तरह से खेल रही, भोजपुरी समाज का नाम लगातार बढ़ा रही है नाम, तो अगर आपको इस साल जो आने वाला बिग बॉस है उसमें अगर आपको मौका मिला तो आप जाना पसंद करोगे? ऑफ कोर्स जाना पसंद करूंगी। और मेरी माँ मुझे हमेशा बोलती है कि काजल तू कब जाएगी वहाँ पे, काजल तू कब जाएगी वहाँ पे। मैं मम्मी को बोलती हूँ मम्मी नेक्स्ट ईयर पक्का जाऊंगी। और मोना बहुत अच्छा खेल रही है और होपफुली वो विनर भी बने, हम प्रे करेंगे, बट बहुत अच्छा खेल रही है एंड बहुत खुशी हो रही है कि हमारी इंडस्ट्री से वहाँ पे कोई गया है और इतना टाइम टीके है, बिकॉज दिनेश भी गए थे, रवि जी गए थे, वो फाइनल तक आए थे बट विनर नहीं हो पाए, बट फिर भी उन्होंने बहुत अच्छा खेला था। फिर मनोज तिवारी जी गए थे, संभावना जी गई थी, सो बहुत अच्छी खुशी होती है, हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री आगे बढ़ी है और उन्हें मौका दिया जा रहा है, बॉलीवुड में एंट्री कर रहे हैं सब लोग, लाइक किसारी जी भी अभी काफ़ी हिंदी में कॉमेडी नाइट्स या हो या लाइक ऐसा सारा चीज़ें, यारों की बारात, पवन जी भी ऐड कर रहे हैं, दिनेश जी भी कर रहे हैं, सो अच्छा लगता है ना कि हमारी इंडस्ट्री भी आगे बढ़ रही है और हमारी इंडस्ट्री के लोग भी आगे बढ़ रहे हैं, सो अच्छा है, अच्छा फीलिंग आ रहा है। थैंक यू मैम हमारे साथ बातचीत करने के लिए समय देने, थैंक यू सो मच। एंड सबको मैं भोजपुरी अड्डा के सारे दर्शकों को मैं न्यू ईयर की विश देना चाहूँगी, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर, और खुश रहिए और हंसाते रहिए और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करिए।